प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को देखो। आपसे कह रहा है कि आपके पास एक सीरीज एलसीआर सर्किट है, ठीक है, और उसके अंदर रेजोनेंस होनी शुरू हो गई। क्या हो गई? रेजोनेंस होनी शुरू हो गई। अच्छा, जब रेजोनेंस होनी शुरू हो जाती है तो आपको पता है कि एक्सएल जो है वो एक्ससी के बराबर होता है। अगर मैं इस केस में इम्पीडेंस निकालना चाहूँगा, चलो इम्पीडेंस भाड़ में जाए, अभी एक्सएल बराबर एक्ससी के, ये तो पता है रेजोनेंस में। तो हमसे कह रहा है वोल्टेज एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट विल हैव द फेज डिफरेंस। तो वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस पूछा, मतलब फाई की वैल्यू पूछ रहा है। तो आप फाई की वैल्यू निकालोगे, कैसे निकालोगे? आपको पता है कोज फाई इज इक्वल टू होता है आर अपॉन जेड। जेड क्या होता है? इम्पीडेंस होता है, ठीक है। अभी निकाल लेते हैं, आर ऐसे रहेगा। जेड क्या होता है एलसीआर सर्किट का? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। बड़ी ज़बरदस्त बात है भाई ये तो। कोस फाई इज इक्वल टू हो जाएगा आर। अब देखो, मैंने बताया इसको स्क्वायर रूट के अंदर लिखो, देखो आर स्क्वायर प्लस, मैंने बताया जब रेजोनेंस हो रहा होता तब एक्सएल एक्ससी के बराबर होता, तो एक्सएल एक्ससी के बराबर है। तो जब एक्सएल में से एक्ससी को माइनस करोगे तो जीरो आ जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल है और डिफरेंस जीरो हो जाएगा। जीरो का स्क्वायर करोगे तो जीरो, तो कुछ नहीं बचा, यहाँ पर सिर्फ जीरो बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जीरो का मतलब ये है आर स्क्वायर के अंदर अगर जीरो को ऐड करेंगे तो वो आर स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी आर डिवाइडेड बाई आर, तो एक बार ही चला जाएगा। तो पावर फैक्टर कितना आ गया आपके पास? कोस फाई की वैल्यू आ चुकी है वन। अब कोस फाई जो है वो वन इक्वल होता है कोस कितने पर? जीरो डिग्री पर, क्योंकि कोस में एक वैल्यू जो होती है वो जीरो पर होती है। इसका मतलब फाई जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? जीरो डिग्री। इसका मतलब ये है कि करंट और वोल्टेज के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो जीरो का होगा। कितने का होगा? जीरो का। अब देखो, ये क्वेश्चन मैंने आपको रटाया नहीं, याद नहीं करवाया, मैंने आपको साइंस के थ्रू प्रूफ करके दिखाया है कि फेज डिफरेंस जीरो कैसा आएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में मुलाकात करते हैं।